हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9 से लेकर 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है, कॉरी एंडरसन हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वॉज ऑलराउंडर रिप्रेजेंटिंग विच कंट्री, और वो कहाँ के हमारे ऑलराउंडर रह चुके हैं। कॉरी एंडरसन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऑलराउंडर थे और वो किस कंट्री के थे? वो थे हमारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। किसके थे? वेस्ट इंडीज के हमारे खिलाड़ी थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिटेल गिवर है, कॉरी एंडरसन 36 बॉल 100 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऑन द न्यू ईयर डे इन 2014 वाज द फास्टेस्ट ओडीआई 100 फॉर अ ईयर बिफोर एबीडी विलियर्स ब्रोक द रिकॉर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास, RTGS system of the transaction will be made available round the clock with effect from which day? लेन देन का RTGS system किस दिन से प्रभावी होने के साथ 2400 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा? पहली बात, RTGS है क्या? RTGS है हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये कब से किया जाएगा? ये किया जाएगा 14 दिसंबर 2020 से ये लागू हो चुका है। ये 24/7 जो है ट्रांजेक्शन आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटली जो हमारा आरटीजीएस सिस्टम था वो उसका टाइम पीरियड क्या था फॉर कस्टमर्स के लिए? सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अब ये कितना हो गया? 24 आवर्स हो गया है। आरटीजीएस शेल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द आरटीजीएस सिस्टम रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा 2013, एंड आरटीजीएस शेल बी अवेलेबल फॉर कस्टमर्स एंड इंटरबैंक ट्रांजेक्शन राउंड द क्लॉक एक्सेप्ट फॉर द इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ द डे एंड द स्टार्ट ऑफ द डे प्रोसेसेस whose timing would be duly broadcasted through the RTGS system ke through. Intraday liquidity, that is IDL facility, shall be made available to facilitate smooth operation. इसके through क्या होगा? हमारी जो facility है वो क्या है? बहुत operationally बहुत smooth हो जाएगी। ठीक है, और इसके अनाउंसमेंट किसने किए? इसके अनाउंसमेंट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, RBI ने इसके अनाउंसमेंट किया। RBI के हमारे गवर्नर कौन है? RBI के हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी के हमारे RBI के गवर्नर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारा मुंबई के अंदर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द इंडियन हु हैज बीन नेम्ड इन द स्ट्रेट टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर 2020। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2020 के लिए द स्ट्रेट टाइम्स एशिया ऑफ द ईयर में नामित किया गया। और किसको नामित किया गया? ये किया गया हमारा एडर पूना वाला को, इसके अंदर नामित किया गया। ये कौन है? हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के, एंड इंस्टीट्यूट के हैज बीन नेम्ड अमंग 6 के अंदर इनको चुना गया है बाय द सिंगापुर लीडिंग डेली द स्ट्रेट टाइम। और ये किसके द्वारा चुना गया? द स्ट्रेट टाइम जो एक सिंगापुर की डेली लेडी एक मैगजीन है, फॉर देयर वर्क इन फाइटिंग द COVID-19 पेंडेमिक। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी AstraZeneca टू डेवलप COVID-19 वैक्सीन। इन्होंने बनाई है कोविड शील्ड एंड इज कंडक्टिंग ट्रायल्स इन इंडिया, और इसके ट्रायल्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं। और जो 5 एशियंस और है जिनको चुना गया है, उनका नाम है हमारे चाइनीज रिसर्चर है जैंग रियोचैन, चाइना के मेजर जनरल जिनका नाम है चैन वेई, जापान के डॉक्टर है रियोची मोरिशिता, सिंगापुर की प्रोफेसर है ओई एंग ओइंग, और साउथ कोरिया के एक बिजनेसमैन है स्यू जंग। इन पांचों का नाम भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, द स्ट्रेट टाइम्स हैज कलेक्टिवली रेफर्ड दीज 6 विनर्स एज द वायरस बस्टर्स। इन्होंने इनको नाम दिया है बिकॉज दे आर द हीरोज ऑफ ए काइंड। और ये क्या कर रहे हैं? हमारे कोरोना वायरस में जो पेंडेमिक के लिए वैक्सीन बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ये योगदान अपना दे रहे हैं। हर कंट्री अपनी योगदान दे रही है। द SII वॉज फाउंडेड बाय द, ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? साइरस पूनावाला के द्वारा, जो इसके फादर है। ठीक है, और ये कब फाउंड की गई थी? 1966 के अंदर। ठीक है, जो अदर पुना वाला है ज्वाइन द सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने 2001 के अंदर इसको ज्वाइन किया था और ये इसके सीईओ बन गए थे 2011 के अंदर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। अगर टाइम एशिया में पुनिया को चूज किया तो अच्छा होगा। अगर टाइम एशिया में पुनिया को चूज किया तो अच्छा होगा, यानी कि स्ट्रेट टाइम में एशियन ऑफ द ईयर के अंदर जो इंडियन एक नाम शामिल है उनका नाम है अदर पुना वाला। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द स्पेस टेक स्टार्टअप विच हैज साइन एन एग्रीमेंट विद इसरो टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन बोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट। उस स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट पर अपने पहले रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन्होंने किसके साथ किए हैं? ये किया पिक्सल के साथ किए हैं। पिक्सल के साथ इन्होंने क्या किया है? एक स्टार्टअप की है। ठीक है,
अब इसकी डिटेल देखते हैं। द बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सल हैज साइन एन एफेक्ट विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन इसरो वर्क होस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज PSLV रॉकेट इन अर्ली 2021 में इसको लॉन्च करेंगे। एंड द अर्लियर द स्टार्टअप हैड प्लान टू लॉन्च दिस सैटेलाइट टुवर्ड द एंड ऑफ द 2020 एंड ऑन ए रशियन स्विजिस रॉकेट। पिक्सल ने एम किया है टू पुट अ कंसल्टेशन ऑफ 30 अर्थ ऑब्जर्वेशन माइक्रो सैटेलाइट इन टू अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बाय मिड 2023। इस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल देखते हैं। द एग्रीमेंट को साइन बिटवीन द पिक्सल विद न्यू स्पेस इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ ये डील की गई है। अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। दिस एग्रीमेंट विद NSIL इज द फर्स्ट ऑफ काइंड प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है एंड वन ऑफ द फर्स्ट सिंस द सेटिंग अप ऑफ इन स्पेस द ऑथराइजेशन एंड रेगुलेटरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू अनेबल प्राइवेट प्लेयर्स अंडरटेकिंग स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया। हमारे इसरो के चेयरमैन कौन है? हमारे इसरो के चेयरमैन है K.Sivan जी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। पिक किया इसरो ने उसे सैटेलाइट के लिए, यानी कि पिक्सल एक स्टार्टअप को जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है इसरो के साथ ताकि ये क्या कर पाएंगे 2021 के अंदर अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास। व्हेन इज द आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है और दिन हम कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। हम जितने भी डेट्स के पॉइंट करेंगे सबके ट्रिक एक साथ लास्ट में देखेंगे ताकि हमें ये सारे डेट्स के पॉइंट रिवाइज ना करने पड़े, वहीं पे याद हो जाए। ठीक है, नीचे डिटेल देखते हैं। वी कांट फॉरगेट दैट सेवरल सोल्जर्स फ्रॉम आर्म फोर्स हैव लेट डाउन देयर लाइव्स इन द सर्विसेज ऑफ द कंट्री, देयरफॉर एंड आर्म फोर्स फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड इन 7 दिसंबर टू ऑनर द मार्टियर्स एंड द मैन इन यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो डेडिकेटेड टू कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ आर्म फोर्सेज पर्सनल्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास। रवि पटवर्धन हु हैज डाइड रिसेंटली वॉज अ फेमस एक्टर फ्रॉम विच फिल्म इंडस्ट्री? रवि पटवर्धन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता थे और वो कौन से थे हमारे अभिनेता? वो थे हमारे मराठी फिल्म के मराठी अभिनेता थे। वेटरन एक्टर रवि पटवर्धन बेस्ट नोन फॉर द स्टारिंग इन द मराठी शो आगा बाई ससु भाई इन 1980s हिंदी फिल्म्स में लाइक तेजाब अंकुश डाइड ऑन सैटरडे फॉलोइंग अ मैसिव हार्ट अटैक के कारण की डेथ हो चुकी है। ठीक है, अगला हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ADB फॉर द बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द सिटी? ADB द्वारा बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपग्रेड करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? और ये कितनी राशि दे रहा है? ये दे रहा है $190 मिलियन दे रहा है। अप्रोक्स ये कितने हो जाएंगे हमारे पे? अप्रोक्स हो जाएंगे 1400 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, ADB का हमारा पहली बार फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो हमारे इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? मतासुगु असाकावा। ये कौन है? हमारे ADB के प्रेसिडेंट है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। द फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय ADB विल बी यूज फॉर द बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशियंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। इसके अंदर 190 मिलियन का ये लोन दे रहे हैं जिसमें से 100 मिलियन जो है सॉवरेन लोन और 90 मिलियन जो है हमारा नॉन सॉवरेन गारंटी लोन रहेगा। टू बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। ये कौन है? ये हमारी 5 स्टेट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है और सबसे लार्जेस्ट है हमारी कर्नाटक के अंदर। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन लोन इज बीइंग डिप्लॉयड बाय द ADB इन इंडिया ऑन ए पायलट बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हो रहा है, इसको पायलट बेसिस पे दिया जा रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एवरी ईयर? अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है और दिन कब मनाया जाता है? ये दिन मनाते हैं हम 7 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। इट इज ऑब्जर्व ऑन 7 दिसंबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन इन द एयर ट्रांसपोर्ट। लेट अस टेल यू दैट द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ UN बॉडी है दैट टेक केयर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द एविएशन सेफ्टी एंड दिस डे मार्क एज अ ग्लोबल ऑब्जर्वेंस एंड नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। सिर्फ ग्लोबली इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इस दिन कोई हॉलीडे हम नहीं मनाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास। मनु मुखर्जी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ वेटरन। मनु मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक अनुभवी क्या थे? और मनु मुखर्जी कौन थे? हमारे मनु मुखर्जी हमारे एक्टर थे, जो हमारे वेटरन बंगाली एक्टर थे मनु मुखर्जी, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगर मैं उनके करियर की बात करूं, ही स्टार्टेड हिज फिल्म करियर विद मृणाल सेन की मूवी थी नील अक्षर नीचे 1958 के अंदर
एंड द एक्टर इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज रोल्स इन द सत्यजीत रॉय जोए बाबा फेलुनाथ एंड गणेश शत्रु जो इनकी फिल्म से ही और ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म फैंटेसी फिल्म के भी इन्होंने उसमें रोल किया था जिसका नाम था पताल घर ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन कॉल्ड लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन किस बैंक ने हाल ही में लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन नामक ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया है और ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इंडिया के लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट कॉल्ड पीएनबी लेंस जिसका नाम है लैंडिंग सॉल्यूशन टुडे टू स्पीड अप एंड मेंटेन द एक्यूरेसी इन ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग एंड सैंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स अकॉर्डिंग टू द बैंक पोस्ट मर्जर इट वॉज अ पैरामाउंट टू हैव अ स्ट्रिंजेंट लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन विच कैन बी यूज फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू लीड कैप्चरिंग लोन अप्रेजल सैंक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन पीएनबी स्टार्टेड डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन ऑफ एन आईटी बेस्ड सॉल्यूशन पीएनबी लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन फॉर द लोन मैनेजमेंट इट फैसिलिटेट फील्ड फंक्शनरीज यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अप्रेजल मेथोडोलॉजी टू इम्प्रूव ड्यू डिलीजेंस स्टैंडर्ड्स ठीक है। अब इसके ब्रीफ देखते हैं लेंस लगा के पेन दिखा उसे सोल्यूशन मिल गया लेंस दिखा के उसे पेन दिखा और सोल्यूशन मिल गया उसे यानी कि लैंडिंग सोल्यूशन जो है एक पोर्टल या एक तरह से लोन मैनेजमेंट सोल्यूशन जो है वो पेन से बनेगा पीएनबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ठीक है। पीएनबी की टैगलाइन क्या है पीएनबी की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसके जो हमारे एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है मल्लिका अर्जुन राव। अगर इसका मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां है इसका नई दिल्ली के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2021 एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा और इसकी मेजबानी कौन करेगा श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा 2021 के अंदर ये 2020 में होने थे जो अब COVID-19 के कारण पेंडेमिक के कारण इसको क्या कर दिया गया पोस्टपोन कर दिया गया और ये 2021 के अंदर होंगे और ये कौन होस्ट करेगा इस बार श्रीलंका इसको होस्ट करेगी ठीक है। नीचे आपके पास यहाँ पे डिटेल गिवन है इसको पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास विच इंडियन एएमसी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल रेट फंड ऑफ फंड्स किस भारतीय एमएनसी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय आरईआईटी फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले आरईआईटी ये फंड है क्या ये हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड है और किसके द्वारा किया गया कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ठीक है। इस फंड के बारे में डिटेल देखते हैं इट इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम दैट विल इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ एसएम एशिया आरईटी सब ट्रस्ट फंड ये म्यूचुअल फंड स्कीम है विच विल हैव अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ लिस्टेड आरईआईटीज विच विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लाइक रेजिडेंशियल ऑफिस डाटा सेंटर्स वेयर हाउसिंग रिटेल और हॉस्पिटैलिटी ठीक है। इट विल इन्वेस्ट इन यूनिट ऑफ जापान बेस्ड SMAM एशिया उसके अंदर भी इन्वेस्ट करेगा ये क्या है SMAM जो एशिया रेट सब ट्रस्ट फंड है वन ऑफ द लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक फंड है इन्वेस्टिंग इन लिस्टेड इन द एशिया पैसिफिक रीजन ठीक है। इट इज मैनेज्ड बाय सुमितो मित्सुई जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इसके द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। अब कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो हमारे एमडी है उनका नाम है नीलेश शाह और अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं तो उनके हैं उदय कोटक। इसका जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं मैंने रियल में उसे फंड दिया है कोटक से लेकर यानी कि कोटक से बनेगा कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने क्या किया है एक इंटरनेशनल आरईटी फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है ठीक है। रियल से बन जाएगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि आरईआईटी फंड ऑफ फंड्स इन्होंने लॉन्च किया है ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री हैज वन द इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020 बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है और ये जीता है इंडिया ने जीता है जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR इन्होंने अवार्ड जीता है इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड फॉर द 2020 ठीक है। द अवार्ड वर प्रेजेंटेड एनुअली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है एंड द अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन द ICAR ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे वाले दिन यानी कि 5 दिसंबर को अवार्ड इनको दिया गया है। ICAR इंडिया विल ऑफिशियली रिसीव द अवार्ड बाय द
हर रॉयल हाइनेस जो प्रिंसेस है जिनका नाम है महाचक्री श्री धोरण ऑफ थाईलैंड, इन्होंने इसको इनको दिया है। और ये कब मिलेगा? ड्यूरिंग एन इवेंट इन बैंकॉक इन जनवरी 2021 में ये दिया जाएगा, मतलब घोषित कर दिया गया है कि भारत को मिलेगा और 2021 में दिया जाएगा। आईसीआर के बारे में डिटेल देखते हैं। आईसीआर हैज कंफर्ड अवार्ड फॉर इज कमिटमेंट टू रेजिंग अवेयरनेस of the importance of healthy soil at the World Soil Day celebration 2019 which had a soil erosion under the motto stop soil erosion save our future, जिनके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज बाय द भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक इंस्टीट्यूट है फॉर हायर लर्निंग के लिए एस्टैब्लिशमेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी टू एक्नॉलेज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दैट रेज पब्लिक अवेयरनेस by organizing successful and influential World Soil Day celebration. The award is sponsored by the Kingdom of Thailand Food Agriculture Organization. इसके जो हमारे हेड है उनका नाम है क्यो डोंगो और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर। इसकी establishment हुई थी 16 अक्टूबर 1945 के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द विनर ऑफ द 2020 साखीर ग्रैंड पिक्स। 2020 के विजेता का नाम बताइए जिन्होंने साखीर ग्रैंड पिक्स जीता है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है हमारा सरीगो परिस। देखो सखीर ग्रैंड पिक्स S for S यानी कि सखीर ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? सरीगो परिस ने जीता है। ये के हमारे मेक्सिको रेसिंग पॉइंट मर्सिडीज ड्राइवर है। इन्होंने 2020 का इन्होंने ग्रैंड पिक्स जीता है और ये कहाँ पे जीता है? बहरीन इंटरनेशनल सर्किट इन सखीर बहरीन के अंदर इन्होंने ये जीता है। ठीक है, सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो है एस्टेबन ओकन ने जीता है फॉलोड बाय लेंस स्ट्रॉल। ठीक है, जो रेस थी जो ये थी एंड ये इस बार की इनकी 16th रेस थी ऑफ द 2020 फॉर्मूला वन चैंपियनशिप। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला वन प्राइज, इन्होंने पहला फॉर्मूला वन प्राइज जीता है 2020 का। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट मैक्सिकन फॉर्मूला वन ड्राइवर टू विन अ रेस सिंस पेरिडो रोड्रिगेज के बाद। इन्होंने पहली बार इन्होंने ऐसा कोई है 1970 के बाद जिन्होंने ये जीता है। ठीक है, अगला द मोबाइल पेमेंट ऐप आई मोबाइल पे हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक। मोबाइल पेमेंट ऐप आई मोबाइल पे किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसी बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? इट विल प्रोवाइड एंटरप्रेनेबिलिटी एज कस्टमर्स नो लॉन्गर हैव टू रिमेंबर द यूपीआई आईडी, उनको याद नहीं रखनी पड़ेगी ऑफ देयर कॉन्टेक्ट एंड कैन ट्रांसफर मनी अक्रॉस पेमेंट एप्स एंड वॉलेट के थ्रू वो भेज सकते हैं। दिस ऐप द ऐप ऑल्सो ऑफर इंस्टेंट बैंकिंग सर्विसेज सच एज सेविंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट लोन क्रेडिट कार्ड गिफ्ट कार्ड एंड ट्रेवल कार्ड एंड अमंग अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आईसीआईसी बैंक की बात करती हूँ तो आईसीआईसी बैंक के जो हमारे एमडी और सीईओ है जिनका नाम क्या है? संदीप बख्शी जी उनका नेम है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करती हूँ तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और अगर इसकी टैगलाइन की बात करती हूँ तो इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आई कैन पे बाय मोबाइल यानी कि आई मोबाइल पे जो एक ऐप है वो किसने लॉन्च किया? आईसीआईसी बैंक के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर हु हैज रिसेंटली वन द फॉर्मूला टू रेस एट द 2020 सखीर ग्रैंड पिक्स। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2020 सखीर ग्रैंड पिक्स में फॉर्मूला टू की रेस जीती है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेहन दारूवाला, उनका नेम है। ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने इसके अंदर क्या जीता है? एक इंडियन प्लेयर का जो है इन्होंने अवार्ड जीता है, इन्होंने रेस जीती है फॉर्मूला सेकंड रेस जीती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, मधुकर गंगाधर रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। मधुकर गंगाधर का हाल ही में निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वो थे हमारे राइटर और स्टोरी टेलर थे जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, ही वॉज अ लीड स्टोरी टेलर ऑफ द न्यू स्टोरी मूवमेंट। ही वॉज एन एसोसिएट ऑफ रेणुजी इन पटना, आकाशवाणी डायरेक्टर थे ये ऑल इंडिया रेडियो इन इलाहाबाद एंड डिप्टी डायरेक्टर थे जनरल एट दिल्ली एयर के अंदर। 39 इयर्स इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के अंदर सर्व किया था एंड ही बिकेम एन इंडिपेंडेंट राइटर बेस्ड इन दिल्ली। मोतियों वाले हाथ और हिरना की आंखें ये इनकी मोस्ट फेमस कुछ वर्क्स थे। ठीक है, और ये एयर के अंदर कब से थे? 1957 के अंदर से एज आकाशवाणी जो एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1936 के अंदर। मेन इनके अगर मैं बात करूं कि इनकी स्टोरीज हैं वो है मोतियों वाले हाथ और हिरन की आंखें। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। निम्नलिखित में से किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार किन्होंने जीता है? इनका नाम है राजकमल झा जी ने ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिटरेरी प्राइज जीता है। ठीक है, इन्होंने थर्ड रविंद्रनाथ का टैगोर का जीता है। द सिटी एंड द सी ऑर्गेनाइजर एंड द पब्लिशर पीटर बोमडलो अनाउंस ऑन मंडे ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक द विनर ऑफ द यूएसडी
5000 प्राइस वॉज अनाउंस ऑनलाइन दिया गया है, अनाउंस किया गया है कहाँ पे, कॉपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क के कैपिटल क्या है, कॉपेनहेगन है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, राज ने टैगोर से प्राइस लिया लिटरेचर वाला, राज ने टैगोर से प्राइज लिया लिटरेचर वाला, यानी कि राजकमल झा ने क्या जीता है, रविंद्रनाथ टैगोर का लिटरेरी प्राइज 2020 जीता है, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट इज CCPI 2021। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है, और भारत का रैंक क्या है इसके अंदर, 10th रैंक पर है भारत इसके अंदर। और इंडिया हैज बीन रैंक इन द टॉप 10, यानी कि 10th रैंक है, टॉप 10 नहीं आएगा यहाँ पे, फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो दिस ईयर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो हमारी परफॉर्मेंस इंडेक्स निकली है, जो कब कहाँ पे रिलीज की गई, जर्मनी के अंदर, और 7 दिसंबर को रिलीज किया गया, ठीक है। ये जो इंडेक्स है इज प्रिपेयर्ड आफ्टर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस 57 कंट्रीज का एंड यूरोपियन यूनियन एज अ होल इन 4 कैटेगरीज। इस 57 कैटेगरीज में से अगर बात की जाए तो भारत जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर 10th नंबर पर है, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एज पर द न्यू सर्वे कंडक्टेड बाय द नेपाल एंड चाइना, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज बीन बिकम टॉलर बाय। नेपाल और चीन द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने अधिक हो गई है, और ये कितनी अधिक हो गई, 86 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है कि इसकी हाइट जो है बढ़ चुकी है फ्रॉम द प्रीवियस मेजरमेंट, ठीक है। अगला, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल हैज रिसेंटली इंक्ड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ने हाल ही में नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए के कार्यान्वयन के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया, उन्होंने के NTPC के साथ किया है, ठीक है। नीचे डिटेल हमारे पास यहाँ पे गिवन है, साइन एन MOU टू इम्प्लीमेंट द नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अच्छा, NTPC क्या है, NTPC की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, NTPC की फुल फॉर्म क्या है। मैं इसका हेडक्वार्टर बता देती हूँ, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं NTPC को। ये 4 ईयर का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, विल बी इम्प्लीमेंटेड इन खारगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर एंड इन द कैचमेंट ऑफ सिलेक्टेड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर नर्मदा बिटवीन ओमकारेश्वर एंड महेश्वर डैम्स पे, ठीक है। इस पॉइंट में हमें मेन याद क्या करना है, जो हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भोपाल का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या किया है, NTPC के साथ एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसकी फुल फॉर्म बताई देती हूँ। इन्होंने इसके साथ क्या किया है, एक समझौता किया है, किसके लिए, नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अगला, विच कंट्री हैज वन द 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड बाय द यूनिटेक, या जिसको बोला जाता है UNCTAD। किस देश ने UNCTAD का 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है, और ये जीता है, भारत ने जीता है। इन्वेस्ट इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ विनर ऑफ द 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ बता दी गई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। द न्यूज वॉज शेयर बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ने हमारे इसका डिक्लेयर किया। ये अवार्ड सेरेमनी कब हुई थी, 7 दिसंबर को हुई थी, एट द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इन जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर का जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड द अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी थ्रू दिस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कंग्रेचुलेटेड इन्वेस्ट इंडिया ऑन द अचीवमेंट एंड नोटेड दैट द अवार्ड इज अ टेस्टिमोनी ऑफ द गवर्नमेंट फोकस ऑन मेकिंग इंडिया द मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और मोदी जी ने क्या किया है, इनको कंग्रेचुलेट किया है कि आपने ये अवार्ड जीता है। और जो मोदी जी का सपना था, जो उनका मेन फोकस था, कि भारत सबसे ज्यादा प्रेफर्ड हमारा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाए विश्व के अंदर, ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर बोला है कि भारत ने कुछ एक कदम हमारा आगे बढ़ाया इसके लिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, द UN इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस किस दिन मनाया जाता है, और ये दिन हम कब मनाते हैं, 9 दिसंबर को ये दिन मनाते हैं, ठीक है। एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑन 9 दिसंबर, द गोल टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अगेंस्ट करप्शन एंड द स्टडी रियल लाइफ सिचुएशन दैट ब्रॉट सीरियस करप्ट प्रैक्टिसेस टू द फोर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2020 की हमारी जो थीम थी वो क्या थी, इस साल की रिकवर विद इंटीग्रिटी इसकी थीम थी, ठीक है। ट्रिक सारे पॉइंट्स की डेट्स के एक साथ देख लेंगे, अगला देखते हैं। तब तक नेक्स्ट है हमारे पास,
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सीईओ यानी कि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और ये बने हैं अनिल सोनी जी को बनाया गया है. बिफोर दिस ही वॉज वर्किंग विद वाइट्रस एक ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है इन द यूएस उसमें काम करते थे पहले एज द हेड ऑफ द ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज एंड ही एज्यूम एज हिज रोल एज सीईओ ये कब से ज्वाइन करेंगे 1 जनवरी 2021 से इस पोस्ट को संभालेंगे. ठीक है. WHO फाउंडेशन की बात करते हैं ये मई 2020 में इसके एस्टेब्लिशमेंट की गई है. ये एक इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एजेंसी होगी बेस्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड जिसका हेडक्वार्टर रहेगा टू वर्क अलॉन्ग साइड विद द WHO के साथ साथ ये काम करेगी एंड द ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी टू एड्रेस द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में डील करेंगी. हमारा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में. उसके अगर डायरेक्टर जनरल की बात करूँ तो उनका नाम है टेड्रोस एधनम उनका नेम है. ठीक है. अब इसकी ट्रिक देखते हैं अनिल की हेल्थ सही है अब यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के नए सीईओ कौन बने हैं या पहले सीईओ कौन बने जिनका नाम है अनिल सोनी जी है. ठीक है. अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास नेम द टू सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज बीन इंडक्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट. मध्य प्रदेश के उन दो शहरों का नाम बताइए जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है और वो कौन सी है हमारी ग्वालियर और ओरछा है जिसको इस लिस्ट के अंदर चुना गया है. ठीक है. द न्यूज ऑफ विनिंग द प्रेस्टिजियस टाइटल वॉज अनाउंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया था. चीफ मिनिस्टर ऑफिस ट्वीटेड विद टू सिटीज फीचरिंग इन द यूनेस्को हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश इज नाउ मोर इलस्ट्रियस ऑन द ग्लोबल टूरिज्म मैप के अंदर. ठीक है. अगला नेक्स्ट है हमारे पास RBI that is Reserve Bank of India has cancelled the license of Dash in Maharashtra as it does not have adequate capital and earning prospects. Reserve Bank ने महाराष्ट्र में किसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया जिनके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना ही नहीं है और ये किसका किया गया ये किया गया करद जनता सहकारी बैंक का इन्होंने बंद कर दिया है इन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और ये कब किया गया आरबीआई ने इसका इशू किया 7 दिसंबर 2020 को और ये कब से इफेक्ट में आ जाएगा 7 दिसंबर 2020 से आ जाएगा. द बैंक वॉज अंडरटेकन ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन फॉर द लास्ट 3 ईयर्स से ऐसे ही काम कर रहा था इसके पास कोई पूंजी नहीं थी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं थी जिसके कारण से अब आरबीआई ने 7 दिसंबर 2020 को इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. ठीक है. अगला पॉइंट अगला हमारे पास स्वीडिश पोल वोल्टर एंड वेनेजुएलियन ट्रिपल जंपर आर द मेल एंड द फीमेल वर्ल्ड एथलेट्स ऑफ द ईयर. 2020 के हमारे जो वर्ल्ड एथलेट बने हैं उनका नाम क्या है जो हमारे मेल कैटेगरी में है उनका नाम जो एक स्वीडिश स्वीडन से बिलोंग करते हैं दूसरे हमारे वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं इनका नाम बताती हूँ. इनका नाम है हमारा मोंडो डुप्लेंटिस एंड यूलीमर रोजर्स. जो स्वीडिश पोल वॉल्टर है मोंडो डुप्लेंटिस एंड द वेनेजुएलियन ट्रिपल जंपर यूलीमर रोजर्स इन्होंने मेल और फीमेल का वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है. दे आर द कंट्रीज फर्स्ट रिसिपिएंट है इन्होंने जीता है द प्रेस्टिजियस एथलेटिक अवार्ड अनाउंस ड्यूरिंग द वर्चुअल वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड. ये कब दिया गया इनको 5 दिसंबर को ये अवार्ड दिए गए हैं यानी कि ये हमारे मेल और फीमेल वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर 2020 चुने गए हैं. अब इसकी ट्रिक देखते हैं इसकी ट्रिक है यू ही मुंडो एथलीट्स ना बना यानी कि यू ही से बनेगा यूलीमर रोजर्स का नाम मुंडो यानी कि मोंडो डुप्लेंटिस का नाम इन दोनों को क्या चुना गया मेल और फीमेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है. ठीक है. अगला पॉइंट चलो ये हमारा लास्ट पॉइंट था आज का. अब जो हमारे डेट्स के पॉइंट है सबसे पहले हमने किया था 5th नंबर क्वेश्चन जो था हमारा आर्म्ड फोर्स डे ये कब मनाया जाता है 7 दिसंबर को हम मनाते हैं. उसके बाद हमने 8th नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया था सिविल एविएशन डे जो हम 7 दिसंबर को मनाते हैं. उसके बाद हमने 23rd नंबर क्वेश्चन पे जो पढ़ा था वो था हमारा एंटी करप्शन डे जो हम कब मनाते हैं 9 दिसंबर को मनाते हैं. अब इसकी तीनों पॉइंट की ट्रिक बता देती हूँ. आर्मी ने करप्शन रिमूव करने के लिए या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एविएशन मिनिस्ट्री के साथ हाथ मिला लिया यानी कि आर्मी से आर्म फोर्स डे करप्शन एंटी करप्शन डे और एविएशन मिनिस्ट्री यानी कि सिविल एविएशन डे हम मनाते हैं 7 दिसंबर को और आर्म फोर्स डे मनाते हैं हम 7 दिसंबर को और एंटी करप्शन डे करप्शन को रिमूव करने के लिए देखो करप्शन में सबसे ज्यादा वर्ड है यानी कि 9 दिसंबर जाएगा ये और इन तीनों दिन का मनाए जाते हैं 7, 7 और 9 को ये दिन मनाए जाते हैं. ठीक है. चलो आज हमने 9 से लेकर 12 दिसंबर की हमारी जो पेंडिंग करंट अफेयर्स पड़ी है हमारी दिसंबर की जो कुछ इश्यूज थे जिसके कारण से नहीं बन पा रही थी अब आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपके पेंडिंग दिसंबर के
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी अपडेट्स वहां पे मिल जाए। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।